सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचा तान, उनसे कदे ना छूटता फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर की योनि भोगता। और कभू ना लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए, यानी उस गुरुदेव जी के उपकार से ये सारा मेरा झंझट समाप्त हो गया। गुणात्माओं देखो, उद्देश्य रखना अपने यहाँ से पीछा छुटवाने का। ऐसा ज्ञान बता दिया जाएगा आपको, आत्मा से ग्लानी हो जाएगी पुनर्जन्म की। और जब तक आत्मा में हेट नहीं होगी इस पुनर्जन्म की, तो आपका कभी ना कभी पैर फिसल जाएगा। ठीक है, यदि आप पार नहीं हुए तो आपके पास इतना भक्ति धन हो जाएगा कि आपका हजारों युगों तक तो ये काल आपके पंजे धरती पर नहीं टिकने देगा। और इस पृथ्वी पर बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ऊपर तो इसका जबरदस्त भयंकर जाल है, वहाँ आपके पुण्यों का नाश करवाता है। वहाँ देवता बना कर, इंद्र बना करके, वहाँ बड़े बड़े आपको होटल बना रखे, नाचना गाना सारा दिन, काम में कोई नहीं, अपनी पूंजी आपकी नाश होती है। वहाँ ऐसे 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 जुगाड़ जोड़ रखे हैं और आपके ही कमाई से अपना यो धंधा चला रहा है, यो 21 ब्रह्मांड चला रहा है। आपके पुण्यों का 10% किसी रेस्टोरेंट में, इसने 15% और किसी में 25% की कटौती यानी कमीशन रखा है। उस कमीशन से ये काम चला रहा है। ये तो भिखारी है उस भगवान के आगे, जिसको तुम भगवान मानकर पूज रहे थे ब्रह्म तक। तो पुणात्मा यहाँ परमात्मा बताते हैं कि सतगुरु की शरण में आने से आपके ये सभी संकट दूर होंगे, जन्म और मृत्यु का रोग नाश होगा। इसमें प्रथम तो आपको बताया कि गुरु होना चाहिए, गुरु भी सच्चा हो, सतगुरु हो। तो सतगुरु की जो पहचान आपको बता दी गई है, और जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा आपका मोक्ष नहीं हो सकता। उसके बाद फिर दूसरा आता है कि नम्रता हो। सत्संग में जब प्राणी आवे तो केवल ये उद्देश्य रखे। कैसे? परमात्मा कहते हैं, संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखे सो सो यज्ञ समान। अब जैसे आप यहाँ आते हो, आप चाहे कितने धनी हो, कितने आप उच्च पोस्ट प्राप्त हो, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री हो, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, परमात्मा के मिलने के लिए जब चले, यानी सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ जब चले, कहते संत में लड़कों चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखोगे फिर माया अभिमान से लेस हो करके, रहित हो करके, एक आत्म रूप में, एक दास रूप में आप इधर को प्रस्थान करोगे। आपके एक कदम के रखने की कितनी वैल्यू बताई है, कितना पुण्य होगा आपको, एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य आपको एक कदम का पुण्य होगा।
चाहे आप गाड़ी में आते हो, चाहे अपनी किसी मोटरसाइकिल कार में आते हो, चाहे बसों से आते हो, ये सारे कदम हैं जैसे किलोमीटर होते हैं। तो संतों ने इसको कदमों में मापा है कि वहां से यहां तक जितने भी आपके कदम रखे गए, जितने कदम बने, कहते हैं उतने ही यज्ञों का पुण्य मिलेगा यदि आप इस भाव से सत्संग के अंदर आओगे। जैसे रोगी होता है, रोगी को यह पता लग जाता है कि दीर्घ रोग है और यहाँ के लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि आप जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में। तो वहाँ जब ये डायरेक्शन मिलकर इंसान जाता है तो वहाँ चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे कोई फैक्ट्री मालिक हो, कितना उच्च पोस्ट प्राप्त व्यक्ति हो, उस समय उसको अपनी जान दिखाई देती है, अपनी पोस्ट पद दिखाई नहीं देता। डॉक्टर कहता है लेट जाइए, वह तुरंत लेट जाता है। डॉक्टर कहता है ये कपड़े निकाल दीजिए, तुरंत निकाल के रख देता है। उस समय उसके नखरे खत्म हो जाते हैं और तभी वो उपचार प्राप्त करता है। जब तक डॉक्टर के आज्ञा का पालन करता रहे, चाहे कुछ भी कहे वैसे ही, जहाँ लेटने को कहे वहीं लेटना पड़ेगा, जहाँ बैठने को कहेगा वह बैठना पड़ेगा, और कहेगा मुंह खोल सांस तेज ले, वो सारा कुछ करना पड़ेगा, तो तभी वो अपना उपचार करवा पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जब आप सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ आवें, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान, तो आपको इतना पुण्य मिलता है यहाँ आने का। आप क्योंकि संत है ही नहीं पृथ्वी पर कोई, संत मिलन को चालिए, संत की तरफ चलने मात्र से इतना लाभ है, फिर यहाँ का कि लाभ होगा वो तो गिनती नहीं हो सकती।